आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हमको अक्सर पेन क्लिनिक की ओपीडी में देखने को मिलती हैं, और वो है गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द आजकल के समय में बड़ी ही तेज़ी से पांव पसारता जा रहा है, और सबसे ख़ास बात जो इसकी है वो ये कि ये ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। अब यंग पॉपुलेशन में देखने को ये क्यों मिलता है, क्या क्या इसकी वजह हो सकती हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये हम धीरे धीरे अपने अगले वीडियोस में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक पेन से। नेक पेन होने की आजकल के समय में यंग पॉपुलेशन में जो सबसे प्रमुख वजह है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल। हम लोगों को अक्सर पता नहीं चलता, या हम इसको और दूसरे शब्दों में कहें एक्सेसिव रॉन्ग पोस्चर, एक्सेसिव वर्क इन रॉन्ग पोस्चर, लॉन्ग टर्म वर्किंग रॉन्ग पोस्चर। अब वो वर्क किसी भी तरह का हो सकता है। स्टूडेंट्स बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं आगे झुक करके। हम कुर्सी मेज पर बैठ के इस तरह से भी पढ़ सकते हैं जैसे कि लोग अक्सर पढ़ते हैं, या तो फिर सीधे बैठकर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो हमको अपना पोस्चर सही रखना है, अपने कंधे अपनी गर्दन को सीधा रखना है, अगर झुकाना है तो अपनी आँखों को, ना कि अपनी गर्दन को। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल, हम लंबे समय तक मोबाइल हाथ में लेकर इस तरह से चलाते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता, मगर ये सारा स्ट्रेस, इन मसल्स का अल्टीमेट स्ट्रेस हमारे सर्वाइकल स्पाइन पर आता है। तो अगर आपको पहले से सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम थोड़ी सी भी है तो वो इस बैड पोस्चर की वजह से एग्रीवेट हो जाती है। कुछ लोगों में लेट करके लंबे समय तक मोबाइल पर पूरी पूरी मूवीज़ या सीरीज़ देखने की आदत होती है, ये भी एक बहुत ही प्रमुख कारण होता है गर्दन में दर्द का। इसके अलावा कुछ लोग रात में सोते वक्त बहुत ही ऊंचे तकिया का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक बहुत ही छोटा छुपा हुआ मगर बहुत प्रमुख कारण है गर्दन में दर्द होने का। और इन सब दिक्कतों में ना केवल गर्दन में दर्द होता है, बल्कि दर्द के साथ साथ मरीज़ कहता है कि मुझे मेरी गर्दन में बहुत जकड़न भी रहती है, और कई बार अगर ये मसल स्पाज़म बहुत ज़्यादा हो जाए तो चक्कर भी आता है। बहुत से ऐसे लेबरर्स होते हैं जो यंग एज के होते हैं, वो अपने सर पे भारी वज़न उठाते हैं लंबे समय तक, आप लोगों ने देखा होगा बोरी उठाते हैं, ईटेड होते हैं, उनमें भी सर्वाइकल स्पाइन में डीजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। अगर इन डीजनरेटिव चेंजेस में, मतलब कि हमारे गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच बीच के जोड़ों में अगर गठिया के बदलाव होने लगें, तो इन गठिया के बदलावों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर उसके बीच से निकलने वाली नसें भी उसमें फंसने लगती हैं, नसों पर भी दबाव आने लगता है, और तब ये गर्दन का दर्द सिर्फ गर्दन में ना रह करके हमारे कंधे में, हमारे कोहनी में, हमारे हाथों में जा सकता है। और दर्द के अलावा, जकड़न के अलावा, हाथों में झुंझुनी होना, सुन्नपन होना, भारीपन होना, ये भी महसूस होता है। तो आज के लिए तो बेसिक इतना काफ़ी है, इसके बाद हम गर्दन के दर्द के अलग अलग कारणों के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, क्यों होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, और उसका क्या इलाज है।